और वेब सीरीज देखी है, उसे बड़े बेटे आदित्य ने मेरे को रिकमेंड, मैंने जो है सैटरडे को उसको देखना है। और एक आईएएस ऑफिसर जो है शुड हैव सम एक्सपेरिमेंट, तो इंटरव्यू में के दौरान भी पूछते भाई तुम ये व्हाट इज योर व्हाई दैट यू नीड टू वर्क, क्या होता है हम एक ही अप्रोच में लगे रहे। इससे पहले भी बात करिए कि नहीं हुआ जो सपना आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटा ब्लॉग है 5 एपिसोड की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज मैं लेके आया हूँ एक और लर्निंग आपके साथ पे, और वेब सीरीज देखी है उसकी। एंड इससे पहले कि मैं अपने लर्निंग आपके साथ शेयर करूँ, प्लीज इंश्योर कि अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो एनालिटिक है वो 100% प्रॉपर आए। सो थैंक यू वेरी मच। आज की जो वेब सीरीज है वो बेसिकली यू नो मेरे बड़े बेटे आदित्य ने मेरे को रिकमेंड करी थी टू वॉच इट, एंड दिस सीरीज नेम इज TVF एस्पिरेंट्स। ये यूट्यूब में है और इसके 5 एपिसोड हैं जो करीब करीब 40-45 मिनट के, तो 4.5 घंटे के अंदर ये सीरीज खत्म हो जाती है। मैंने जो है सैटरडे को इसको देखना स्टार्ट किया और you know, एक वन गो में इसको खत्म किया। हालांकि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज आती है मोर और लेस वो आप वैसे ही खत्म करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बट इस सीरीज में इतनी ज्यादा लर्निंग थी कि आप अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, एंड दैट इज द रीजन आई कुड एबल टू कलेक्ट लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस वेब सीरीज एंड आई फिनिश इन वन गो। ये IAS के ऊपर आधारित है बेसिकली, कि IAS अगर आप बनना चाहते हैं लाइफ में तो उसकी क्या प्रिपरेशन है, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में बताया गया। चाय पीजिए। पहली लर्निंग की बात करूं तो पहली लर्निंग की बात में ये है कि इसमें जो एक स्टोरी के बारे में बताया गया है, और एक IAS ऑफिसर जो है वो कॉलेज आते हैं और कॉलेज आके बच्चों से बात करते हैं जो तैयारी कर रहे होते, सेमिनार पे जाते हैं, तो एक एग्जांपल देते हैं कि US में एक सेरेमिक प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि वाई डोंट यू नो ही शुड हैव सम एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक क्लास को बोला कि आप एक जबरदस्त अच्छा परफेक्ट घड़ा बनाइए, पॉट बनाइए। दूसरी वाली को क्या बोला कि आप जितने मर्जी घड़े बना सकते, क्वालिटी की चिंता ना करें, और उनको 10 दिन का टाइम दिया दोनों टीम को। 10 दिन के बाद जब प्रोफेसर उनसे मिले तो प्रोफेसर वॉज वेरी सरप्राइज, वाई बिकॉज उन्होंने देखा कि दूसरी टीम ने काफी घड़े बनाए और अच्छे से अच्छे घड़े बनाए, वेरियस जो पहली टीम थी जिसको बोला था परफेक्ट घड़ा बनाने के लिए वो हार्डली कुछ घड़े बना पाए। क्यों और कम क्यों बना पाए? क्योंकि दे वर ओनली बिजी टू थिंकिंग कि हाउ टू मेक ए परफेक्ट वन, कैसे उसको परफेक्ट वन बनाया जा सकता है, उसी में बिजी थे। वेयर एज दूसरी टीम जो है वो बनाती गई, खराब होते गए, फिर बनाते गए, फिर थोड़ा ठीक हुए, तो इस तरीके से करते करते वो इम्प्रोवाइज करते गए, और एंड ऑफ द डे वट एवर दे हैव मेड एवरी वन वॉज परफेक्ट, और कुछ ना कुछ उसमें यूनिक था। ये लर्निंग हमें ये दिखाती है कि हमें अपने आप को हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए, खाली परफेक्ट बनने के चक्कर में हम पता चल रहा है कोई भी स्टेप नहीं उठाते और हम पीछे रह जाते हैं। सेकंड लर्निंग ये है कि इस सीरीज में एक बहुत अच्छा सवाल, और हम लोग कई बार इसको भूल जाते हैं, कई बार हम इंटरव्यू में के दौरान भी पूछते भाई तुम ये क्यों बनना चाहते हो, तो हम लोग के वेग आंसर आते हैं, कई बोलते हैं कि मेरे को करियर में कुछ करना है या ये करना है, बट वाई यू वॉन्टेड टू दैट वाई वी आर नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि कई जैसे हम एज ए ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, इफ आई आस्क एनी ह्यूमन रिसोर्स गाय कि भाई वाई यू हैव चूज HR, 99% मेरे पास सवाल ये आता है कि सर आई लव टू इंटरेक्ट पीपल, और आई वॉन्टेड टू बी यू नो सपोर्टिव टू द पीपल, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट फॉर देम, सो इस तरीके के सवाल जवाब आते हैं, लेकिन वाई का जो आंसर है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि ये कॉमन आंसर तो सभी देते हैं। वट इज योर वाई दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप क्यों करना चाहते हो कोई चीज, उसको जरूर जान। एक और लर्निंग जो मैंने यहाँ पे देखी वो ये है कि अगर लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, लाइफ में अगर चीजें नहीं बन रही है, तो हमको अप्रोच अपनी बदलनी चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है हम एक ही अप्रोच में लगे रहते हैं और एक ही अप्रोच में हम हर चीज करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इफ समथिंग यू फील दैट इट इज नॉट हैपनिंग, चेंज योर अप्रोच। अ लॉट ऑफ लर्निंग्स बट आई कुड एबल टू कैप्चर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई बिलीव। मैंने इससे पहले भी बात करी है कि लाइफ में प्लान बी होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे IAS के उसमें दिखाया कि वो 3-4 साल तैयारी करते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन जब लास्ट ईयर तक पहुंचते हैं तब तक थोड़ा समय निकल जाता है, और अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। सो माई डियर फ्रेंड, इंश्योर दैट यू ऑलवेज हैव प्लान बी इन योर लाइफ, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ anybody's journey।
अगर कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आप चाहते हो वो नहीं हुआ, जो सपना आप देख रहे हो वो नहीं हुआ, अगर वो सारी चीजें नहीं हुई, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है. देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल. एंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो अप्रोच बदल दीजिए, अपनी सोच उधर बदल दीजिए, अपना जो विजन है उसको थोड़ा चेंज कीजिए और उसके लिए आगे बढ़िए. यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं होती है. कीप दैट इन माइंड, राइट? कीप दैट इन माइंड. ये बहुत छोटा ब्लॉग है, बहुत अच्छी लर्निंग है और मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मुश्किल से लोग 1 से 2 मिनट टिकते हैं पूरा ब्लॉग. कितने लोग देखते हैं आई डोंट नो, बट जो भी देखते हैं आई एम श्योर उनके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग उनको डेफिनेटली मिलती होगी. बट विद दिस आई वुड लाइक टू यू नो क्लोज माय ब्लॉग हेयर ओनली, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस विद द अदर एक्टिविटीज. ये प्योर एंड प्योर लर्निंग से रिलेटेड है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार बातें इसमें बोली गई हैं. अगर आपको टाइम मिलता है तो जाके जरूर इसको देखिएगा. यूट्यूब में है, एस्प्रिंट्स करके है, 5 एपिसोड की वेब सीरीज है. एंड एज आई सेड आई वुड लाइक, आई एम गोइंग टू सी द अनदर वेब सीरीज विच इज अ कोटा फैक्ट्री. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली गो एंड सी दैट एज वेल. और मेरा हमेशा इससे मानना ये रहा है कि चाहे लाइफ में आप मूवी देखने जा रहे हो या एंटरटेनमेंट करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, यू गेट लॉट ऑफ लाइफ मैसेजेस इन अ डिफरेंट डिफरेंट वेज. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू विच वन यू टेक एंड विच वन यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग चेन ऑफ लाइफ.